जितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा है, लेकिन औध बिहारी के अलावा इधर से कोई नहीं निकलेगा सिवान सीट से। औध बिहारी के अलावा सिवान सीट से कोई नहीं निकलेगा। कि हम हिंसा का वोट करें, टेम्पू छाप, टेम्पू छाप को वोट करें, क्यों करें? उनके पति विकास किए हैं, देख लीजिए उनका पति वोट है, उसके बाद कोई देखा भी नहीं है। पाँच साल यहाँ की सांसद कविता सिंह रह चुके हैं, कुछ नहीं, लेकिन जो शहाबुद्दीन साहब, ये जो रोड है ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक नाला का जो भी काम किया ना शहाबुद्दीन साहब के द्वारा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। तो देखिए फिलहाल हम सिवान लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है, जो कि एक समय में शहाबुद्दीन की विरासत थी और यहां पे काफ़ी ज़्यादा काम शहाबुद्दीन ने किया था। शहाबुद्दीन को यहां के लोग दलितों का मसीहा कहते हैं, पिछड़ों का, गरीबों का मसीहा कहते हैं, यहाँ तक कि विकास पुरुष के नाम से भी उनको जाना जाता है। लेकिन देखिए एक बार यहाँ की अभी स्थिति क्या है, आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे यहाँ की जो सड़कें हैं कितनी ज़्यादा ख़राब है। नालियों में पानी इस हद तक भरा हुआ है कि घर के अंदर तक पानी चली जाती है, यहाँ के लोगों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह सिवान फिर से बदलेगा, क्या यह सिवान फिर से विकास करेगा, जिस सिवान को शहाबुद्दीन ने एक समय में काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जाने का काम किया था। शहाबुद्दीन ने ये सड़कें बनवाई थी, क्या फिर से एक बार यहाँ से उनकी पत्नी चुनाव जीत कर यहाँ पर काम करवाएगी और फिर से सिवान की वही पहचान बनाएंगी जो कि एक समय में हुआ करती थी, क्या फिर से यह सड़कें चमचमाएंगी? क्योंकि इस बार हिना साहब का जो नारा है और जिस तरह से वह लोगों से इंटरेक्ट कर रही हैं, बातें कर रही हैं, उसको देख कर ऐसा लगता है कि शायद इस बार वह बदलाव के मूड में नज़र आ रही हैं। सभी जातियों से बातचीत कर रही हैं, सभी धर्म के लोगों से बातचीत कर रही हैं। तो आइए सिवान की जनता से ही जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या लगता है कि हिना साहब जीतेंगी? आप लोगों के यहाँ की स्थिति तो बहुत एकदम 100% जीत रहे हैं। शहाबुद्दीन को विकास पुरुष कहा जाता है, क्या लगता है कि अब एक बार फिर से सिवान बदलने वाला है, जो कि काफी सालों पहले एक सिवान को जाना जाता था, अपने आप में सिवान एक प्रचलित लोकसभा था, फिर से वो सिवान अपने आप स्थापित कर पाएगा पहचान? शहाबुद्दीन साहब शुरू से ही विकास पुरुष रहे हैं, है ना, ये जो रोड है ना यहाँ से लेकर वहाँ तक नाला का जो भी काम किया ना शहाबुद्दीन साहब के द्वारा हुआ है। बाकी कोई यहाँ पर पहले पाँच साल यहाँ की सांसद कविता सिंह रह चुके, कुछ नहीं किया, लेकिन जो शहाबुद्दीन साहब यहाँ जितना दिन शहाबुद्दीन साहब रहे हैं, जो काम किए हैं, इंडोर स्टेडियम, हॉस्पिटल, बाकी और भी राजेंद्र कॉलेज, और भी जितना काम किए हैं, उनके अलावा कोई काम नहीं किया। पिछले तीन बार से हिना साहब हार क्यों रही थी, आप लोग क्यों नहीं वोट कर रहे? हम लोग तो वोट करिए रहे, यहाँ पर अब समीकरण यहाँ पे अलग अलग बदलते रहते हैं, बराबर उन्हीं को वोट देते हैं। हम लोग शुरू से ही समर्थक हैं उनके। वही मैडम बताए ना आपको कि एक रात में समीकरण बदलता है, इधर का एक रात में समीकरण बदल जाता है, पूरा ऑल ओवर सिवान में एक रात में समीकरण बदल जाता है, लेकिन हम लोग बदलने वाले नहीं है। तो समीकरण बदलता है या फिर माहौल बदलता है, वोट तो आप ही लोग को करना होता है, लेकिन अब हमारे मोमेंटम में क्या होता है, रात भर में क्या जाएगा पता नहीं। जैसे कि लोगों का ऐसा मानना है कविता सिंह का टिकट काट दिया गया है, क्या लगता है कि उसका आक्रोश भी लोगों में है? जी बिल्कुल आक्रोश है। लेकिन क्या लगता है कि हिना साहब को वोट करेंगे? जी हम हिना साहब को वोट करेंगे, टेम्पू छाप को वोट करेंगे, क्यों करेंगे? उनके पति विकास किए हैं, देख लीजिए उनका पता नहीं वोट है, उसके बाद कोई देखा भी नहीं है। मतलब इस बात को मानते हैं कि जो शहाबुद्दीन थे और जब वो MP बने थे उसके बाद से किसी ने सिवान का विकास नहीं, उनके अलावा किसी का औकात नहीं था सिवान के विकास करने, उनके अलावा किसी का औकात नहीं थे, तब से ही विकास करने कर रहे थे। MP के बाद तो अलग है, जब संसद थे तभी से विकास चालू था उनका। जिस तरह से हिना साहब को राजद की तरफ से अनदेखा किया जा रहा है, क्या कहेंगे उस? वो अब छोड़िए, उनका मामला है, करने दीजिए, अभी सब समझ में आ जाएगा, खुद आके गोद में गिरेगा सब। एक चीज संक्षेप में आपको बता दे रहा हूँ कि कोई कितना भी एड़ी चोटी का जोड़ लगाए, मतलब, लेकिन औध बिहारी के अलावा इधर से कोई नहीं निकलेगा सिवान सीट से। औध बिहारी के अलावा सिवान सीट से कोई नहीं निकलेगा, ये हमारा मानना है। हो सकता है रिकॉर्डिंग हमारे आप ऐसे इंसान है ना जो कि अपना स्टेटमेंट खुद बदल रहे हैं, आपको देख के ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आप जैसे लोग वैसे समीकरण बना देते हैं रातों रात। तो वही बता रहा हूँ आपको, मतलब आपको विकास से मतलब नहीं है, आपको एक रात पहले जैसे मोमेंटम, वोटिंग के हिसाब बता रहा हूँ आपको, हिना साहब को वोट कर रहे थे, अभी कह रहे हैं अवध बिहारी, आपको क्या बोला कि रात में समीकरण बदलता है, ये भी तो बोला। अलावा अगर जितने लोगों से हमने बातचीत किया, यही नहीं बाकी सारे सिवान में भी सब कह रहे हैं, बता रहा हूँ आपको मैं क्या बोला कि एक रात में समीकरण बदलता है, सही है? हाँ नहीं, हम लोग तो हिना साहब को ही वोट करेंगे। किसको वोट करेंगे? क्या किसको वोट करेंगे? हिना साहब को।
क्या लगता है कि जो विकास उन्होंने किया था उनके पति शहाबुद्दीन ने, वो विकास फिर से हेना साहब करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तीन बार से हरा क्यों रहे? हार रहे थे, इनका वजह था कुछ। क्या वजह था? इसलिए कि अभी विकास 15 साल से रुका हुआ है। किसको वोट करेंगे बताएं? जीवन यादव। जीवन यादव निर्दलीय जाएंगे। उनको क्यों वोट करेंगे? निर्दलीय युवा है, युवा को ध्यान देंगे। युवा है तो आपको लगता है कि वो विकास कर देंगे? जी विकास कर नहीं रहे अभी। देखिए आप, हमारे यहाँ पे जितना था अभी वो क्या बोलते जिला परिषद का चुनाव में भी बहुत बढ़िया काम किए। तो देखिए जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया कि एक समय में शहाबुद्दीन की विरासत के नाम से जाना जाने वाला सिवान और आज कैसा बदल चुका है पूरी तरह से। यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की, इस बार उनकी पत्नी है ना साहब जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और लोगों में उनका क्रेज़ देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि उनके पति विकास पुरुष थे तो अब ऐसा लगता है कि है ना साहब भी काम करेगी। वहीं लोगों से जब हमने जानने की कोशिश की तो फिर तीन बार से हरा क्यों रहे थे? लोगों का कहना है कि उस समय की स्थिति अलग थी लेकिन अब लगता है कि जो तीन टर्म के जो भी सांसद बने हैं उन लोगों ने काम नहीं किया है, इसके बाद से अब हेना साहब को ही वोट करना होगा क्योंकि अब उन्हीं से उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ सिवान की स्थिति फिर से एक बार बदलने वाली है? सिवान फिर से पहले वाले सिवान के रूप में जाना जाएगा? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।